क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अपने पास एक गिवन मैट्रिक्स है 3x3 की, इसकी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन ऑफ ए। रूट इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। अभी इसकी टर्म समझ लेते हैं। ए क्या है? गिवन मैट्रिक्स। माइनस लैम्बडा, लैम्बडा एक स्केलर क्वांटिटी है, इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपनी गिवन मैट्रिक्स 3x3 की है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की होगी, इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 8 - λ (1, 8 - λ), 7 - λ (2, 7 - λ), 3 - λ (2, 3 - λ). और जो बाकी की टर्म्स है, लैम्बडा इंटू 0, 0 होता है, और एनीथिंग माइनस 0 एनीथिंग ही होता है, इसलिए जो बाकी की टर्म्स है -6, 2, -4, वो हैज इट इज़ रेप्लीकेट होगी। यहाँ पे -6, 2, -4 हैज इट इज़ रेप्लीकेट होगी, और ये डिटर्मिनेंट में इक्वल टू 0। अभी इस डिटर्मिनेंट को अपने को सॉल्व करना है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत टीडियस है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम लोग एक शॉर्टकट, एक मैजिक मेथड यूज़ करेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, मैजिक इक्वेशन। मैजिक इक्वेशन क्या है? लैम्बडा क्यूब माइनस (S1λ² + S2λ) - determinant of A = 0। अभी इसमें अननोन टर्म्स कौन सी है? (S1, S2) डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये इक्वेशन अरेंज कैसे है? (+, -, +, -). अभी इसमें फाइंड करते हैं इसकी अननोन टर्म्स (S1, S2) और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। (S1) क्या है? सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। ये अपना गिवन मैट्रिक्स, गिवन क्वेश्चन, उसमें ये होती है डायगनल एलिमेंट्स। ये डायगनल एलिमेंट्स को अपने को ऐड करना है। 8 + 7 + 3 वो होगा 18। ये बना अपना S1। S2 क्या है? माइनर्स ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। अपनी ये गिवन मैट्रिक्स, उसमें ये है डायगनल एलिमेंट्स। अभी ईच डायगनल एलिमेंट का अपने को ईच माइनर फाइंड करना है। ये अपनी फर्स्ट डायगनल एलिमेंट, अभी फाइंड करते हैं फर्स्ट माइनर। ये अपनी फर्स्ट डायगनल एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग रो ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला, इसको हाइड करेंगे। फिर एलिमेंट्स कौन सी बची? 7 - 4 - 4 - 3, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लेके गए। प्लस ये अपनी है सेकेंड डायगनल एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग रो ये वाला, करस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला, इसको हाइड करेंगे। फिर एलिमेंट्स कौन सी बची? 8, 2, 2, 3, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखे गए। प्लस अब ये है अपनी थर्ड डायगनल एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग रो ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला, इसको हाइड करेंगे। फिर एलिमेंट्स कौन सी बची? 8 - 6 - 6 - 7, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लेके गए। ये बने अपने माइनर्स ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। अभी इसको, इस डिटर्मिनेंट को अपने को सॉल्व करना है। जब भी हम लोग फर्स्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तभी अपना आंसर होगा 5। सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 20। थर्ड को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 20। अब फिर इन सबको ऐड करना है, ऐड करके अपने को मिलेगा 45। अपने को अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा इसका 0। हम लोग डायरेक्ट कैल्सियम में निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 का डिटर्मिनेंट कैल्सियम में निकालना ज़्यादा आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग कैल्सियम में निकालेंगे। ये अपनी मैजिक इक्वेशन, इसके सारे अननोन्स S1, S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग ने फाइंड कर चुके हैं। अभी इस इक्वेशन में अननोन सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट (λ³ - S1λ²), S1 क्या मिला अपने को? 18 - 18 λ² + S2λ, S2 कितना मिला अपने को? 45 + 45λ - determinant of A, वो अपने को मिला 0 - 0 = 0। अभी इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम लोग कैल्शियम में सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को कैल्शियम में सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी वीडियो आई बटन में मिल जाएगी। जब भी इस इक्वेशन को हम लोग कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रूट्स मिलेंगे 15, 3 और 0, और ये है अपने आइगन वैल्यूज। इसको बोलते कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये जो अपने को आइगन वैल्यूज मिली उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सम ऑफ लैम्बडा S1 होना चाहिए। सम ऑफ लैम्बडा मतलब 15 + 3 + 0 = 18। अपना S1 भी 18 मिला था, और प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए 15 × 3 × 0 = 0। अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 मिला, मतलब अपने आइगन वैल्यूज प्रॉपर है। स्टेप नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए। वेक्टर इक्वेशन क्या है? (a - λ(i)x = 0। (a - λ) अपने को स्टेप नंबर 1 में मिला था, और ये (x, x1, x2, x3) और ये 0, 0, 0 नल वेक्टर। अभी अपने को फर्स्ट आइगन वैल्यू से फर्स्ट आइगन वेक्टर निकालना है। फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है अपनी? 15। अभी इस 15 को इस लैम्बडा की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। 8 - 15 - 7 होगा, 7 - 15 - 8 होगा,
थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व होगा, और बाकी की सारी टर्म्स हैज इट इज रेप्लीकेट होगी। फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और ये जीरो जीरो। अभी इस मैट्रिक्स को अपने को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल से क्यों सॉल्व करेंगे, कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें एक भी एलिमेंट वन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे। क्रामर्स रूल से सॉल्व करने के लिए कोई भी दो नॉन रिपीटेड रोस लेंगे, हम लोग चूज़ करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो, उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। माइनस सेवन इंटू एक्स वन माइनस सेवन एक्स वन माइनस सिक्स इंटू एक्स टू माइनस सिक्स एक्स टू, टू इंटू एक्स थ्री टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। और सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं अभी, माइनस सिक्स इंटू एक्स वन माइनस सिक्स एक्स वन माइनस एट इंटू एक्स टू माइनस एट एक्स टू माइनस फोर इंटू एक्स थ्री माइनस फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, बाय क्रामर्स रूल्स। अभी हम लोग एक्स वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स वन को हाइड करेंगे, और एलिमेंट कौन से बचे, माइनस सिक्स टू माइनस एट माइनस फोर, उसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे इक्वल टू एक्स टू। अभी एक्स टू को हाइड करेंगे, एलिमेंट्स कौन से बचे, माइनस सेवन टू माइनस सिक्स माइनस फोर, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। और ये वाला माइनस क्रामर्स रूल का माइनस है, इक्वल टू एक्स थ्री, एक्स थ्री को हाइड करेंगे, फिर एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस एट, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। इसको अज्यूम करते इक्वल टू टी। फिर अभी इस डिटर्मिनेंट को अपने को सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, एक्स वन अपन फोर्टी, इसको सॉल्व करेगा तो आंसर फोर्टी मिलेगा। माइनस एक्स टू अपन फोर्टी, इसको सॉल्व करेगा तो फोर्टी मिलेगा। एक्स थ्री अपन ट्वेंटी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ट्वेंटी मिलेगा, इक्वल टू टी। अभी हम लोग लिखते हैं एक्स वन इक्वल टू फोर्टी इंटू टी, एक्स वन इक्वल टू फोर्टी टी, माइनस एक्स टू इक्वल टू फोर्टी इंटू टी, एक्स टू इक्वल टू माइनस फोर्टी टी मिलेगा, एक्स थ्री इक्वल टू ट्वेंटी टी मिलेगा, एक्स थ्री इक्वल टू ट्वेंटी टी मिलेगा। अभी इस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को कॉलम वाइज लिखते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर ये क्या फोर्टी टी माइनस फोर्टी टी ट्वेंटी टी, इसमें से ट्वेंटी टी कॉमन निकलेंगे। फिर एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, टू माइनस टू वन, तो अपना फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है, टू माइनस टू वन, ये अपना फर्स्ट आइगन वेक्टर। अभी हम लोग सेकेंड आइगन वेक्टर निकालेंगे, अभी हम लोग सेकेंड आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू थ्री से सेकेंड आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो अपनी वेक्टर इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अभी लैम्डा की वैल्यू थ्री है, थ्री ये थ्री की वैल्यू इस लैम्डा की जगह सब्सटीट्यूट करनी है, तो एट माइनस थ्री फाइव होगा, सेवन माइनस थ्री फोर होगा, थ्री माइनस थ्री जीरो होगा। अभी ये बनी अपनी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को अपने को सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल से हम लोग सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें एक भी एलिमेंट वन नहीं है। क्रामर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो नॉन रिपीटेड रो लेते हैं, हम लोग चूज करके फर्स्ट रो और सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो चूज करेंगे और इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फाइव इंटू एक्स वन फाइव एक्स वन माइनस सिक्स इंटू एक्स टू माइनस सिक्स एक्स टू, टू इंटू एक्स थ्री प्लस टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। अभी वैसे ही माइनस सिक्स इंटू एक्स वन माइनस सिक्स एक्स वन, फोर इंटू एक्स टू प्लस फोर एक्स टू माइनस फोर इंटू एक्स थ्री माइनस फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अभी बाय क्रामर्स रूल एक्स वन के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स वन अपॉन इधर एक्स वन को हाइड करेंगे, फिर एलिमेंट्स कौन से बचे, माइनस सिक्स टू फोर माइनस फोर, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू को हाइड करेंगे, फिर एलिमेंट्स कौन से बचे, फाइव टू माइनस सिक्स माइनस फोर, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो माइनस है वो क्रामर्स रूल का माइनस है, इक्वल टू एक्स थ्री, एक्स थ्री को हाइड करेंगे, और एलिमेंट्स कौन से बचे, फाइव माइनस सिक्स माइनस सिक्स फोर, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। अभी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, एक्स वन अपन सिक्सटीन, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सिक्सटीन मिलेगा, माइनस एक्स टू अपन माइनस एट, और ये माइनस कैंसिल होगा, एक्स थ्री अपन माइनस सिक्सटीन, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर सिक्सटीन मिलेगा, माइनस सिक्सटीन मिलेगा। इसको अज्यूम करते ये टी है, फिर अभी सिक्सटीन इंटू टी, एक्स वन अपने को मिलेगा सिक्सटीन टी, एक्स टू मिलेगा एट टी, ये माइनस कैंसिल होगा, और एक्स थ्री मिलेगा माइनस सिक्सटीन टी। अभी इसको कॉलम वाइज अरेंज करते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, सिक्सटीन टी एट टी माइनस सिक्सटीन टी, यहाँ से मिला, इसमें से एट टी कॉमन निकलेंगे, तो एलिमेंट्स कौन से बचे, टू वन माइनस टू, ये अपनी सेकेंड आइगन वेक्टर। अभी हम लोग थर्ड आइगन वैल्यू लैम्डा थ्री इक्वल टू जीरो से थर्ड आइगन वेक्टर निकालेंगे। अभी इस लैम्डा की जगह जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो एट माइनस जीरो होगा एट, सेवन माइनस जीरो होगा सेवन, थ्री माइनस जीरो होगा थ्री, और बाकी सारी टर्म हैज इट इज़ रेप्लीकेट होगी।
अभी अपने को इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करेंगे? बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्यों क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे। हम लोग कोई भी दो नॉन रिपीटेड रोज लेंगे, हम लोग चूज करते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो, उसकी इक्वेशन लिखते हैं 8 × x1 8x1 -6 × x2 -6x2 2 × x3 + 2x3 = 0 -6 × x1 -6x1 7 × x2 +7x2 -4 × x3 -4x3 = 0। अभी क्रामर्स रूल से सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं x1 के लिए, तो x1 को हाइड करेंगे और एलिमेंट्स कौन से बचे? -6 2 7 -4, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे = x2। x2 को हाइड करेंगे और एलिमेंट कौन से बचे? 8 2 -6 -4, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो माइनस है वो क्रामर्स रूल वाला माइनस है। = x3, x3 को हाइड करेंगे, एलिमेंट्स कौन से बचे? 8 -6 -6 7, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। अभी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो x1/10 -x2/-20, ये माइनस कैंसिल होगा, और x3/20 = t लेते हैं। तो अपने को x1 x2 x3 की वैल्यू क्या मिलेगी? x1 = 10t, 10t यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 × t 10t, तो x1 10t, और x2 ये माइनस माइनस कैंसिल 20 × t 20t, तो x2 मिला अपने को 20t और x3 भी मिलेगा अपने को 20t। अभी इसको कॉलम में लिखते हैं, तो x3 = x1 x2 x3, और ये जो वैल्यूज मिली थी अपने को 10t 20t 20t, इसमें से 10t कॉमन निकलते हैं, तो अपने को एलिमेंट्स कौन से बचे? 1 2 2, ये अपनी फाइनल थर्ड आइगन वेक्टर।